अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम सीवी किस तरह से बनाते हैं, या इसको रेज्यूमे भी कहा जाता है। हम किस तरह से बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। सो हमारे पास यहाँ पे एक सीवी का डेमो है, एक सिंपल सीवी है। जैसे ये है अनस शफीक, और इस नाम से सीवी है। सीवी में बेसिकली होता क्या है कि आपने अपना नाम ऐड करना होता है सीवी में, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, और अपना ऑब्जेक्टिव बताना होता है कि आप किस ऑब्जेक्टिव से ये जॉब लेना चाहते हैं, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने सीवी जमा करवाई है तो आप किस पर्पस के लिए वहाँ पे जॉब लेना चाहते हैं। तो उसके बाद आप एक्सपीरियंस बताते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ है और कितना है। उसके बाद आप अपनी एडिशनल स्किल्स बताते हैं कि आपके पास और कितनी एडिशनल स्किल्स हैं। उसके बाद आपने बताना होता है कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितनी है। इसी तरह एकेडमिक्स में आपने कहाँ ली मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने ऐड की है जो जिसकी भी सीवी है उसके क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड की है। और यहाँ पे लास्ट में पर्सनल डिटेल्स देते हैं कि आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या हैं। तो हम इसी सीवी के डेमो को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाते हैं। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे पहला काम क्या है कि हमने पेज बॉर्डर ऐड करने हैं। और इंसर्ट में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बल्कि होम में अगर आप बॉर्डर देखें तो यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन है। आप यहाँ पे जाएं, पेज बॉर्डर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे पेज बॉर्डर के ऑप्शन में जाएं, यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट करें, यहाँ से हमारे पास डबल लाइन है तो डबल लाइन सेलेक्ट करें, और उसके बाद ओके कर दें। तो ये हमारे पास डबल लाइन लग गई। अगर देखें हमारी सीवी पे तो यहाँ पे भी डबल लाइन है लेकिन थोड़ी ज़्यादा बोल्ड में है। तो हम बॉर्डर एंड शेडिंग पे दोबारा जाके इसकी फर्दर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे ये है हमारे पास, तो हम इसको 3D में भी ला सकते हैं। ओके सॉरी, इसको हम कंट्रोल जी करते हैं और कंट्रोल जी अगेन। नाउ बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे गए, 3D स्टाइल सेलेक्ट किया। सॉरी, ये हम यहाँ पे पेज बॉर्डर में जाके करेंगे 3D। नाउ डबल लाइन, ओके सो ओके, ये हमारे पास बॉर्डर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने नाम लिखना है। सो यहाँ पे हमने नाम लिखा अनिस शफीक, तो ये सारा कैपिटल में है तो सारा सेलेक्ट किया। कैपिटल करने के लिए सिलेक्शन की, सिलेक्शन करके शिफ्ट F3 यूज़ करेंगे आप तो ये कैपिटल में हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस किया और F3, तो अब ये अनशफीक कैपिटल में हो गया। अब मैं इसका साइज़ बढ़ाना है तो सिलेक्ट रहने देंगे और इसका साइज़ बढ़ाएंगे। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब इसको अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरी लाइन को नेक्स्ट तक यानी लास्ट तक लेके जाना है। तो अब यहाँ पे जाके बॉटम बॉर्डर ऐड कर दें, लेकिन उससे पहले आपको बॉर्डर की लाइन चेंज करनी पड़ेगी। आपको यहाँ जाके सिंगल लाइन और ओके करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो बॉटम लाइन आए बॉटम पे वो सिंगल लाइन ही हो। ओके सो नाउ फाइन, अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे नीचे बॉटम पे, और इसका साइज़ हम कम करेंगे क्योंकि हमें नीचे वाली डिस्क्रिप्शन कम साइज में चाहिए। तो यहाँ से साइज कम किया, नाउ एड्रेस के बाद यहाँ पे आ गया, हम एड्रेस लिखेंगे। इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर, इसी तरह ईमेल। नाउ अब इसको क्लोज करना चाहते हैं। क्लोज करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग का टूल है यहाँ पे, लाइन स्पेसिंग कम कर देंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा कम करनी है तो आपको लेआउट के टैब में आना पड़ेगा। पेज लेआउट के टैब में आके आप आफ्टर स्पेसिंग को यहाँ से कम कर दें तो ये अभी और क्लोज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जाने के लिए आप यहाँ पे बॉटम पे आके लिखेंगे
ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, यहाँ पे एक कलर देना है। तो होम टैब में आके यहाँ पे आप इसको एक शेड देंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये पूरा ये शेड पूरी लाइन को दे दिया जाए। तो उसके लिए मुझे डिज़ाइन में आके सॉरी, ये मुझे ये टूल कहाँ मिलेगा, ये शेडिंग वाला टूल, तो मुझे इसको शेड कर देना है। यहाँ पर मैं ये कलर दे देता हूँ शेड में। उसके बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी फर्दर एक्सप्लेनेशन दूँगा। तो यहाँ मैंने बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, आप कोई भी रैंडम टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो लिखें RND 1.3, मीन्स ये 1 पैराग्राफ चाहिए 3 लाइन्स का। तो 1.3 लिखेंगे तो ये एक पैराग्राफ आ जाएगा 3 लाइन्स का। तो ये मेरे पास यहाँ पे 3 to 4 लाइन्स थी, तो मैंने यहाँ पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया। उसके बाद अब मुझे सेम यही टूल चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ऐड कर दिया। उसके बाद मैं नीचे यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखूँगा। मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए सिंपली इस लाइन को यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ऐसे एडिशनल स्किल्स हैं, तो मैं अगेन यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ पे टॉपिक दिया, यहाँ पे टाइटल में एडिशनल स्किल्स। नाउ इसमें हम एडिशनल स्किल्स को ऐड करेंगे। एडिशनल स्किल्स को यहाँ पे बॉटम पे ऐड करने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंप्यूटर 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 कोई भी रैंडम टेक्स्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे इसको सिलेक्ट करके यहाँ बुलेट्स लगाने हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ से इन सबको सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बुलेट्स लगाएंगे, तो ये बुलेट्स लगा दिए। ये साइन हमारे पास वहाँ पे लगे हुए थे, तो ये साइन हमने यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद इसको अगेन हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको इस तरह से नहीं पेस्ट करना, हमने इस तरह से पेस्ट करेंगे डाउन में आके। और यहाँ पे हमें एकेडमिक, सो एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखते हैं आप जो भी यहाँ पे हेडिंग देना चाहें। सो उसके बाद टेबल चाहिए हमें यहाँ पे बॉटम पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बॉटम पे इंसर्ट के टैब में जाके टेबल हमारे पास कितने लाइन्स का चाहिए, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड 4 कॉलम। सो यहाँ पे टेबल विद द 4 कॉलम्स 4 by 3 ले लेते हैं। 4 by 3 का टेबल ले लिया। अब 4 by 3 के टेबल के बाद यहाँ पे आप हेडिंग देंगे क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दी ईयर, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद बोर्ड। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पे ये 2 सेल्स को 1 सेल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे इन दोनों को आपस में सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट प्लस एरो कीज का इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आप लेआउट में जाएंगे, लेआउट में इसको मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे, तो ये दोनों आपस में मर्ज हो गए। अब यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे वो एक ही सेल में लिखा जाएगा। इसको आप यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं, डिज़ाइन में जाके कर दें सेंटर, या लेआउट में इसको यहाँ से सेंटर कर दें, ये सेंटर हो जाएगा। उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके लास्ट में जाके टैब प्रेस करेंगे तो एक और रो ऐड हो जाएगी। इसी तरह और रो ऐड करनी है तो लास्ट में जाके फिर ऐड टैब करें, एक और रो ऐड हो जाएगी। तो टेबल को पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हैं, तो हम यहाँ पे और ऑप्शन ऐड करते हैं। ये वाला यहाँ से हम कॉपी करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया।
नाउ प्रेस दैट। अब यहाँ पे हम पर्सनल डिटेल्स लिखेंगे, सो यहाँ पे ऐड कर दिया पर्सनल डिटेल्स। अब यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल्स को ऐड करेंगे, तो पर्सनल डिटेल में आप डेटा एंट्री करेंगे, सो यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे आप इसी तरह फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ है, इसी तरह रिलीजन है, नेशनैलिटी है, CNIC नंबर है, इसी तरह डोमिसाइल है एंड मैरिटल स्टेटस, यानी आप शादीशुदा हैं या नहीं, आप उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट ऐड हो चुकी है। अब टास्क ये है कि मुझे इसको एक पेज पे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए पहले मैं यहाँ पे लेआउट में जाऊँगा और अपने पेज के मार्जिन को यहाँ से नैरो करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मार्जिन क्या हैं, टॉप पे 1 इंच का मार्जिन है, बॉटम पे 1 इंच का मार्जिन है, लेफ्ट पे 1 इंच का मार्जिन है और राइट पे 1 इंच का मार्जिन है। तो मार्जिन को नैरो करूँगा ताकि 0.5 में चला जाए और मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर ऐड हो जाए। फिर भी अगर रह जाए तो मैं यहाँ से स्पेसिंग को कम कर देता हूँ, यहाँ से स्पेस कम कर दी, यहाँ से भी स्पेस कम कर दी, सो मेरे पास थोड़ी सी स्पेस रह गई है, सो मैं इसको भी यहाँ से कम कर देता हूँ। सो इसको हमने ये स्पेस भी कम कर दी। सो नॉट फाइन, अब मेरे पास यहाँ पे एक पेज पे एडजस्ट हो गया। ओके सो ये मेरे पास CV का डाटा एक पेज पे एडजस्ट हो गया। बेसिकली इस लेक्चर का पर्पस यही था कि आपको बता दिया जाए कि एक CV में किस तरह का डाटा होता है और उस डाटा की फॉर्मेटिंग करने के लिए हम किस तरह के टूल्स को अप्लाई करते हैं। ये बहुत बेसिक CV थी। अगर प्रोफेशनल CV आपने बनानी है तो आपको कुछ थीम्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो नेक्स्ट वर्जन हैं 2010 से अपवर्ड, वो सारे आपको थीम्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप कोई प्रोफेशनल CV बनाना चाहते हो आप, तो थीम्स भी आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पे जाएं फाइल में और न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करें CV और एंटर कर दें। यहाँ CV टाइप करने के बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट प्रोफेशनल CVs आ चुके हैं। आप यहाँ से भी CV का कोई भी थीम लेके उसमें अपनी मर्जी का डाटा पुट कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस CV को ले लेता हूँ, नेम हेयर, सो इस पर क्लिक किया तो वो कह रहा है कि यहाँ पे डाउनलोड साइज 127 KB है, सो क्रिएट। तो अभी मेरे पास डाउनलोड टेम्पलेट को डाउनलोड किया उसने और यहाँ पे पुट कर दिया उस टेम्पलेट को। तो यहाँ पे भी आप इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं अपने CV के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे दो टैब अपीयर हो जाएंगे, पिक्चर टूल्स का और टेबल टूल्स का, क्योंकि ये टेबल में पिक्चर लगी हुई है। तो पिक्चर टूल्स पे जाके आप ऐसे से कोई यहाँ से सिंपली डिलीट करें। डिलीट करने के बाद सेम साइज़ की पिक्चर आप यहाँ पे इंसर्ट के टैब में जाके, तो यहाँ पिक्चर्स पे क्लिक करके अपनी पिक्चर का पार्ट सेलेक्ट करके, जहाँ पे पिक्चर है उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे तो वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। उसका यहाँ से आप साइजिंग वगैरह कर सकते हैं, साइज सेलेक्ट करके उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ नेम ऐड करेंगे, अपनी जॉब का टाइटल ऐड करेंगे, यहाँ पे एजुकेशन को ऐड करेंगे। ये सारी डाटा टाइपिंग है, यहाँ पे अपने टाइपिंग करनी है और अपने डाटा को रेलिवेंट ऐड कर देना। वर्क वर्क एक्सपीरियंसेस हैं वो आप ऐड करेंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस यानी जो भी अगर आपका ईमेल है ईमेल को ऐड करेंगे, अपनी हॉबीज़ को ऐड करेंगे और अपनी प्रोफाइल यहाँ पे लिखेंगे। प्रोफाइल में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप किस तरह उस कंपनी के लिए मुस्बत साबित हो सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोफेशनल CV है।
इसमें स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं आप। जैसे स्किल पे क्लिक करेंगे आपके पास टेबल डिज़ाइन का यहाँ पे टूल्स आ गए, चार टूल्स भी आ गए। अब यहाँ पे जाके इसमें डाटा चेंज भी कर सकते हैं इसका। अगर आप डाटा यहाँ से एडिट करना चाहते हैं तो एडिट डाटा पे क्लिक करें तो आपको बता देगा जी आपने स्किल्स कितने परसेंट लेनी है, स्किल नंबर 1, स्किल नंबर 2, स्किल नंबर 3। आप जैसे ही यहाँ से बढ़ाते जाएंगे, जैसे मैं इसको 1 कर देता हूँ तो स्किल नंबर 5 को मैं 1 किया, जैसे एंटर किया तो ये 100% हो गई है। इस तरह इसको भी 1 किया तो ये भी 100 हो गई। तो मैं यहाँ पे चार्ट का डाटा इस तरह से ऐड या यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ स्किल्स को। और स्किल 1 जहाँ पे लिखा हुआ है मैं यहाँ पे अपनी स्किल्स ऐड करूँगा, जैसे कि टीवी शोज़ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया टीवी शोज़, यहाँ पे टीवी शोज़ आ गया। स्किल नंबर 2, स्किल नंबर 3, 4, 5। इस तरह से यहाँ पे मैं स्किल्स में और एडिंग भी कर सकता हूँ, तो मेरे पास मेरी मर्जी की स्किल्स यहाँ पे आ जाएंगी। इस तरह इसको क्रॉस कर दूंगा तो जो डाटा मैंने यहाँ पे पुट किया होगा वो डाटा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह वर्क एक्सपीरियंसेस में डाटा एंट्री करेंगे आप, एजुकेशन में और नेम, पिक्चर। आई थिंक सो मैंने यहाँ पे सब कुछ ब्रीफ कर दिया है कि किस तरह से आप प्रोफेशनल सीवी का बना सकते हैं। ये थीम ले सकते हैं, ये थीम लेके इसमें अपना नाम एडिट कर सकते हैं या अपनी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं, या आप फाइल में जाके व्यू पे जाएं। आपके पास और भी कई सीवीज के यहाँ थीम्स पड़े हुए हैं, अगर आपको इनमें से कुछ सेम थीम सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये है इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सीवी का कवर लेटर होता है, आप इस पर क्लिक करें और इसको क्रिएट करते हैं तो ये सीवी का कवर लेटर होता है, जिसमें आप कवर लेटर में बताते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे मुश्किल साबित हो सकते हैं, आप उसके बारे में बताते हैं कि आप यहाँ पे सीवी क्यों देना चाहते हैं और आप कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कवर लेटर चेंज होते रहते हैं, बाकी आपकी एक्चुअल सीवी वही रहती है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको गाइड किया। डिपेंडिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन आप अपने कवर लेटर में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, क्योंकि हर कंपनी के रेलिवेंट उसका कवर लेटर होता है और उसमें कंपनी की डिटेल्स भी होती हैं, कंपनी का टाइटल भी होता है, और जिस तरह से रेसिपिएंट को आप सेंड करना चाहते हैं उसका नाम भी होता है, डेट होती है, आपका नाम होता है और आपकी पिक्चर होती है, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल, आपकी वेबसाइट का एड्रेस, सो आपका नेम। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करते हैं कवर लेटर में, ताकि किसी को कंप्लीट सीवी आपकी पढ़नी ना पड़े, वो जस्ट कवर लेटर देखे और उसको आइडिया हो जाए कि आप उसके लिए मुस्बत हैं या नहीं, या आपको उसके लिए फ़ायदेमंद हैं कि नहीं और वो आपको हायर कर लें। तो ये हमारे पास था सीवी का प्रोफेशनल थीम भी हमने देखे कुछ, इनको बनाना भी देखा, इनके टूल्स भी देखे, और इसी तरह ये बेसिक सीवी है, बेसिक सीवी को भी हमने बनाना देखा कि बेसिक सीवी को हम किस तरह बनाते हैं और एक बेसिक सीवी में हमने किस तरह की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ड का कोई और डेमो डॉक्यूमेंट पिक करेंगे और मैं उसको बनाना आपको सिखाऊंगा। अगर आपको किसी टूल की समझ ना आए, बनाने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा सोल्यूशन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।